जल्दी भागो भाई, क्योंकि जिस ट्रेन को मुझे चलाना है वो ऑलरेडी आ रखी है। सोचो, ट्रेन आ गई और लोको पायलट ही नहीं आए। यार ये तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी गाइस। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो ट्रेन है इसका अराइवल का टाइम था 6:44 का, बट देखो यार ये 6:43 पर ही आ पहुंची और हम जो लोको पायलट हैं वो अभी तक नहीं पहुंच पाए। वैसे गाइस अभी मुझे एकदम सामने की ओर जाना पड़ेगा लोको पायलट के एकदम पोजीशन पर। और बाकी गाइस यहाँ पर एक ट्रेन का भी अराइवल चल रहा है इस साइड वाले प्लेटफॉर्म पे। ओए होए होए EMD। अच्छा मतलब ये नोटिफिकेशन ने ना गाइस पूरा सीन खराब कर दिया। बाय द वे यहाँ पर तुम देख सकते हो एक EMD के साथ में कोई एलएचबी ट्रेन का अराइवल चल रहा है। बट मुझसे मुझे भाई इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, मुझे तो अपनी ट्रेन के पास में जाना है। सोचो गाइस ट्रेन आ गई, लोको पायलट ही नहीं है। नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, जल्दी से मैं भाग के चलता हूँ ट्रेन के पास में, क्योंकि उसका यहाँ पर बस 1 से 2 मिनट का ही हॉल्ट है, मुझे निकालना भी पड़ेगा। वैसे यार कहाँ गया लोकोमोटिव? ओ भाई उधर इतनी आगे जाके पता नहीं गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ एकदम सिग्नल लगता है क्रॉस कर दिया है लोको पायलट ने जो इससे पहले ड्राइव कर रहे थे। बाकी ऊपर से व्यू देखो यार, ड्राइव ड्राइव होता रहेगा गाइस, आप लोग चिल मारो। ये देखो यहाँ से देखो दोनों ट्रेन ऊपर से जो बस जा रही है, यार मजा आ गया। ऐसे ऐसे सीन दिखा देता है ये रेलवे। चलो यार वैसे तो अभी हम चलते हैं, वरना भाई बहुत ज्यादा मेरी नौकरी पर भी खतरा आ सकता है। अरे भाई मतलब ये कहाँ लगा दिया इस वैक्टर को, अब मैं जाऊंगा कैसे भाई कैब वन की तरफ? गाइस मुझे घास फूस से होके जाना पड़ेगा। ये देखो अरे भाई बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, इतनी कठिनाइयां हैं यहाँ पे, बट कोई ना यार हम सॉल्यूशन की तरफ फोकस करेंगे। गाइस प्रॉब्लम जितनी भी आए यार सॉल्यूशन की तरफ ही फोकस करना चाहिए। बाय द वे अभी हम लोकोमोटिव के अंदर आ चुके हैं, ये लोकोमोटिव एकदम नया नया, मैं आपको बता दूँ अभी हाल ही में ही इसका अपडेट हुआ है भाई। सबसे पहले तो मुझे कैब लाइट को ऑन करना पड़ेगा, वरना लोकोमोटिव ना बिल्कुल अंधेरा रहेगा और कुछ दिखाई भी नहीं देगा। आप दिखाई दिया ना? चलो मैं ALP का भी जो ये लाइट्स है वो ओपन कर देता हूँ। चलो गाइस अब अपने लोकोमोटिव में एकदम अच्छे से उजाला वगैरह हो चुका है, और उसके बाद सबसे पहले हम डोर को ओपन कर देते हैं। मतलब जो लोको पायलट यहाँ पर पहले थे वो क्या डोर को क्लोज करके गए हैं? बढ़िया ब्रो। वैसे अभी यहाँ पर विंडोज़ को भी मैं डाउन कर देता हूँ, विंडो ग्लास को, और ये लेफ्ट साइड का भी बढ़िया है। तो गाइस अब हम पूरी तरीके से रेडी हैं, और बस अब वेट करना है कि अब यहाँ से अपना डिपार्चर कब तक होता है। वैसे आप जैसे सिग्नल मिलेगा वैसे हम हॉर्न बजा के यहाँ से डिपार्चर लेंगे। बाय द वे लुक देखो यार। तो गाइस अब जाकर पूरी तरीके से टाइम हो चुका है डिपार्चर का, एक्चुअली में टाइम ज़्यादा ही हो गया यहाँ पर 1 मिनट, बट ये हॉर्न ये रहा गाइस, मैं इसे बजा देता हूँ। एक और बार हम बजा देते हैं गाइस। ओ भाई अपडेट वाले जो हॉर्न थे वो भी काफी अच्छे लगे मुझे। और ये रहा ब्रिक, इन्हें करना पड़ेगा मुझे रिलीज। तो ये देखो गाइस यहाँ पर हमने ब्रिक्स जो है उनको रिलीज कर दिया है। और ये जो आप लोग स्टेयरिंग सा देख रहे हो ना यही है थ्रॉटल, मतलब जैसे हम इसे घुमाएंगे वैसे ही अपनी ट्रेन चल पड़ेगी। ये देखो ये मैंने हल्का सा गाइस पावर दिया है, एंड ये देखो अपना जो लोकोमोटिव है वो धीरे धीरे आगे चलना स्टार्ट कर दिया इसने। तो बिल्कुल रियल में भी गाइस ऐसा ही होता है, अगर इस लोकोमोटिव को ड्राइव करना है तो रियल वर्ल्ड में भी आपको ऐसा ही जैसा मैंने किया ना, आप लोगों ने देखा थ्रॉटल को इंक्रीज किया, उससे पहले हमने ब्रेक्स को रिलीज किया, तो आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा। और ये आसान बात तो बिल्कुल नहीं है गाइस, गेम में ही आपको बहुत आसान लग रहा होगा बट रियल वर्ल्ड में भाई काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये सब, तभी तो यार लोगों पर इतनी मेहनत करते हैं हमारे। और सक्सेसफुली अब हम निकल चुके हैं स्टेशन से। वैसे यार मैं आपको बता दूं यहाँ पर अपनी ड्यूटी एक तरीके से एक्सचेंज हुई है,
अब जो लोको पायलट इस ट्रेन को पहले ड्राइव कर रहे थे उनकी हो चुकी है छुट्टी, आई मीन उनको अब रेस्ट दिया गया है और वो अभी अपने घर वगैरह जाएंगे और यहाँ से हो जाती है भाई अपनी ड्यूटी चालू। और हमें इस ट्रेन को लेकर जाना है शोरनूर जंक्शन तक। बाकी गाइस ये देख रहे हो यार कितनी ढेर सारी चीज़ें। बाकी बाय द वे गाइस यहाँ पर फैन का आप लोग देख सकते हो, मैं इसे ऑन करके देख लेता हूँ ये हवा वगैरह देता है या फिर ऐसे लगा रखा है। फैन का ये रहा, ओ भाई चलना तो शुरू कर दिया है बट रहने दो भाई क्योंकि इससे अच्छा तो ना गाइस मैं बाहर की हवा ले लूँ। देखो कितना स्लो चल रहा है, मेरे मुंह पे हवा भी नहीं आ रही है ना भाई। एक काम करता हूँ मैं बाहर की हवा ही ले लेता हूँ, इतने ना हो पाएगा। चलो गाइस अभी हम यहाँ पर मैक्स थ्रॉटल पावर को कर देते हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने थ्रॉटल पावर को एकदम मैक्स कर दिया और अब देखता हूँ कितनी जल्दी जल्दी अपना जो स्पीड है ना वो इंक्रीज होगा। देखो स्पीडोमीटर पे नज़र डालो बस, मैं यहाँ पे हॉर्न बजाऊंगा आप लोग स्पीडोमीटर देखो। देखो गाइस वेब फोर पे क्या पावर लगाई है। यार मैं भी ना गाइस कितना भुलक्कड़ हूँ, मैं आप सभी को बताना ही भूल गया कि अभी एकदम अर्ली मॉर्निंग का वक्त है। इवन आप लोग देख सकते हो अभी इस समय हम हैं अपनी ट्रेन के चेयर कार के इंटीरियर व्यू में और ये जन शताब्दी का है चेयर कार और ये ICF वाले का है गाइस। तो ICF जन शताब्दी का इंटीरियर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, स्विचेस वगैरह भी हैं, साथ ही साथ ऊपर में आपको लगेज वगैरह रखने के लिए भी सब कुछ दिया वगैरह है। देखो एकदम हम यहाँ पर 110 km/h हिट कर चुके हैं और मेरी कोशिश अब यही रहेगी कि शोरनूर जंक्शन तक हम इसी स्पीड में चलते रहें क्योंकि आई गेस शोरनूर जंक्शन तक हमारा जो स्पीड लिमिट रहने वाला है वो यही रहेगा 110 km/h का। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिग्नल भी अपने को पूरा हरा देके रखा है बट फिर भी हमें गाइस फोकस रहना पड़ेगा। हॉर्न भी हमें लगातार बजाते रहना है क्योंकि अर्ली मॉर्निंग का वक्त है और अर्ली मॉर्निंग के वक्त लोग भाई सैर के लिए निकलते हैं तो मेरी ट्रेन के आगे कोई ना आ जाए गाइस क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना ट्रैक्स पे चले जाते हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ मैं हॉर्न लगातार बजाता रहूँ जिससे अगर सामने भी कोई आए तो वो साइड हो जाए। बाकी व्यू देखो यार, वैसे गाइस ये जो रियल इंटीरियर एकदम लग रहा है अपडेट के बाद WAP 4 लोकोमोटिव का। एंड राइट नाउ वी आर स्किपिंग सम स्टेशन और लूप में यहाँ पर फ्रेट के वैगन को रखा गया है। ओ भाई सामने में दो दो WAG 9 लोकोमोटिव हैं, दो दो थे, फुली स्पीड में हमने ऑंक मारते हुए स्टेशन को क्रॉस किया है, मज़ा आ गया भाई। बाकी आप लोग बाहर से भी गाइस व्यू देख सकते हो और देखते ही देखते हम दूसरे स्टेशन की ओर भी बढ़ चुके हैं और हम इसको भी स्किप मारने वाले हॉन्किंग के साथ में। देख लो भाई अर्ली मॉर्निंग एक्शन वेब 4 की हॉन्किंग के साथ। यार ये हॉर्न कुछ अजीब नहीं लगा? ओ भाई क्रॉसिंग हो रहा है यहाँ पर, गाइस यहाँ से देख सकते हो आप लोग एक क्रॉसिंग भी हो रहा है। ये देखो गाइस यहाँ पर एक पार्सल वैन वाली ट्रेन का क्रॉसिंग चल रहा है। तो एक पार्सल वैन वाली ट्रेन के साथ में अभी अभी अपना क्रॉसिंग समाप्त हुआ है और
ये वाला व्यू देखो, ऊपर में देख रहे हो, यहाँ पे सनराइज हो रहा है। मैंने कहा था ना अभी मॉर्निंग का वक्त है, तो आप लोगों को यहाँ पर अपना जो स्काई है थोड़ा सा ऑरेंजिश टाइप का देखने को मिल रहा होगा। और पूरी ही अपनी ICF जनशताब्दी ट्रेन है। और देखो यार अभी भी हम कॉन्स्टेंट एकदम डॉट 110 KMPH की रफ्तार पे चला रहे हैं ट्रेन को। और अभी गाइस हम आ चुके हैं ALP की सीट पर, और यहाँ से भी आप लोग देख सकते हो एक ब्रिज से अभी अभी हम गुजरे हैं, और इस साइड में भी आपको हॉर्न के बटन्स वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाएगा। मतलब अगर जब चाहे ALPG भी हॉर्न बजा सकते हैं, और लोको पायलट का तो काम ही है यार हॉर्न बजाना। और ये देखो गाइस ये क्या लिखा है, ये DJ ओपनिंग जैसा लास्ट में क्या लिखा है, ये कौन से DJ की बात कर रहे हैं पता नहीं। बाय द वे यार एक बार हॉर्न में बजा के देखता हूँ यार ALP की चीज से काम तो करता है। हाँ काम करता है, मुझे लगा भाई ऐसे शो के लिए, बट नहीं गाइस काम वगैरह अच्छे से करता है, देख रहे हो दोनों काम करते हैं भाई, मजा आ गया। अच्छा यहाँ पे गाइस एक और स्टेशन को हम स्किप कर रहे हैं, तो हॉन्किंग तो यार बनती है। अच्छा अच्छा गाइस ये लोकोमोटिव चल रहा था क्या? हाँ, ऊपर में धुआं देख सकते हो, अकेला लोकोमोटिव कहाँ जा रहा है ये तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आप लोगों ने देखा यहाँ पर एक अकेला लोकोमोटिव है जो कि कहाँ जा रहा है गाइस मुझे तो नहीं पता। तो एक लाइट लोकोमोटिव है जो कि अपनी ड्यूटी कर रहा होगा यहाँ पे। और अभी अभी हमने एक स्टेशन को एकदम हाई स्पीड रफ्तार में किया है स्किप। अच्छा यहाँ पे कुचुवली से मुंबई को LTT सुपरफास्ट एक्सप्रेस का क्रॉसिंग चल रहा है, जिसका के लोकोमोटिव था WAP 7। यार दोनों ही ट्रेन की स्पीड अच्छी खासी थी कहना पड़ेगा गाइस, सामने वाली भी ट्रेन कुछ कम नहीं थी, और हम तो यहाँ पर 110 की स्पीड से चल ही रहे हैं। ये वाला यार स्किप देखो आप लोग स्टेशन का, खत्म भाई खत्म, पूरी हाई स्पीड में होंक मारते हुए स्टेशन के धज्जियां उड़ाते हुए आगे जा रहा है अपना ये वेब पोर्ट। अच्छा गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अभी अभी अपना स्पीड को स्लो डाउन करवाया गया है बहुत देर बाद। अच्छा गाइस अपना यहाँ पर जो शोरनूर जंक्शन है वो बहुत ज़्यादा क्लोज है, मे बी इसके लिए यहाँ पर अपना स्पीड को स्लो डाउन करवाया जा रहा हो। देखो डबल येलो सिग्नल है, आई गेस अपना जो स्टेशन है गाइस वो बहुत करीब आ चुका है, इसलिए हमें यहाँ पर स्लो डाउन करवाया है। अच्छा ये क्या चीज़ है, अच्छा ऊपर सामने में गाइस एक ओवर ब्रिज है, एंड उसके ऊपर में बहुत ढेर सारे व्हीकल्स वगैरह क्रॉस कर रहे हैं। देखो एक ऑटो जा रहा है, मतलब कितना अच्छा लग रहा है, सामने स्काई देखो पूरा ऑरेंजिस सा हो रखा है, एंड व्यू देखो बस ऐसे व्यू ना गाइस सिर्फ और सिर्फ रेल वक्त में ही मिलेंगे, मज़ा आ गया भाई। ऊपर से रूट यार केरला V1 भी गाइस बहुत अच्छा है, एंड अब तो मैंने सुना है केरला V2 का भी काम चल रहा है, मानना पड़ेगा भाई। अच्छा ये किसका घर है भाई, काफी अच्छा लगा मुझे, एंड साथ ही साथ भाई नीचे में कार भी थी रेड कलर की। ओ भाई एक क्रॉसिंग होने जा रहा है ERS से पुणे सुपरफास्ट एक्सप्रेस डुअल एल्को के साथ में, ये तो पीछे से क्रॉसिंग देखना बनता है, I mean, हमारे लास्ट कोच से देखा ना कितना शानदार क्रॉसिंग है, फुली हॉंक मारते हुए उस लोगों ने हमें क्रॉस किया है।
आई मीन पूरी ट्रेन ने, अभी अभी ये शोरनूर जंक्शन से निकली है और अभी अभी ये स्पीड अप भी कर रही है। देखो गाइस वो फाइनल जा चुकी है। ओह देखा तुमने, अपना रेड लाइट भी जल रहा है पीछे में। तो गाइस अब हम फाइनली जाकर शोरनूर जंक्शन पर एंट्री ले रहे हैं। अभी बस हम जस्ट आउटर में हैं और ये सामने का सिग्नल पे कुछ तो लिखा हुआ है, हाँ 5, यानी कि ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि हमें प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर एंट्री मिली है। जब भी सिग्नल के ऊपर कोई नंबर वगैरह लिखा रहता है ना, उसका मतलब होता है कि ये ट्रेन मतलब उसी प्लेटफॉर्म पर जाएगी जो सिग्नल के ऊपर लिखा होगा। जैसे अभी 5 लिखा है तो हमें एंट्री दी जाएगी भाई प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर। ये देखो यहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हो, आई थिंक ये लोकोमोटिव शेड वगैरह है और कितने ढेर सारे लोकोमोटिव को लगा के रखा है। EMD, WAP-4, WAP-7 सारे ही आपको लोकोमोटिव यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। एक बार यहाँ से भी हॉर्न बजा देता हूँ। बढ़िया। वैसे मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी कि अपना यहाँ पर ट्रैक वगैरह चेंज नहीं करवाया गया और हमें मेन लाइन पर ही एंट्रेंस मिला है। देखा तुमने, एक भी बार अपना ट्रैक चेंज नहीं हुआ। और यहाँ पे भी साइडिंग में ढेर सारे ट्रेन के कोचेस वगैरह को रखा गया है। देखो गाइस कितने ढेर सारे लोग वेट कर रहे हैं प्लेटफॉर्म पे अपनी अपनी ट्रेनों का। चलो गाइस अभी हम लोको पायलट की सीट पर आ जाते हैं क्योंकि अभी सामने में जाकर अपनी ट्रेन को रुकवाना भी है। हमें करना है ब्रेक्स को अप्लाई, तो मैं पूरा रेडी हो जाता हूँ। ओ भाई कितना ज़्यादा, लगभग 10 मिनट पहले एंट्री मारा है मैंने। गाइस देखो इतना यहाँ पे हमने स्पीड अप किया है, मतलब एक तरीके से अंडर लिमिट में हैं, फिर भी 10 मिनट बिफोर आ रखे हैं यहाँ पे। मतलब यहाँ का टाइम था 7:30 का और हम कब आ रहे हैं 7:20। आप लोग मान सकते हो रुकते रुकते हम यहाँ पर 20 तो हो ही जाएगा। अभी 19 है गाइस, देख रहे हो 10 मिनट बिफोर यहाँ पर हमने अपनी ट्रेन को आकर लगवा दिया है। ये देखो यहाँ पर मैंने ब्रेक को अप्लाई कर दिया है और चलो अभी यहाँ पर हम फुल ब्रेक को अप्लाई कर लेते हैं। देखो सक्सेसफुली अब जाकर रुकवा दिया है ट्रेन को। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वाली जर्नी वीडियो पसंद आई, एंड वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को पता है ना क्या करना है, क्या ड्यूटी अपनी ख़त्म हो गई। सक्सेसफुली यहाँ पर हमने अपनी ट्रेन को शोरनूर जंक्शन पर 10 मिनट बिफोर पहुँचा दिया, और क्या चाहिए। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, तब तक के लिए बाय।